आप सभी लोग एक कुछ दिनों से एक शब्द काफी चर्चा में सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपरों में देख रहे होंगे, जहां भी आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, फास्ट ट्रैक। सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि फास्ट ट्रैक अलग होती है। आपने देखा होगा कि वॉच यानी कि घड़ी आती है फास्ट ट्रैक की, फास्ट टैग ये अलग है। ठीक है, ये किस तरह से आगे बात करते हैं हम लोग, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता दें। मान लीजिए आप लोग पेटीएम का आपने देखा होगा कि कहीं भी आपने दुकान में टंगा हुआ है, उसी तरह से आप कहाँ जाते हैं, आप अपने कैमरे से क्या करते हैं, उसे स्कैन करते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि इसी तरह का कोई आपके फास्टैग लगा दिया जाए, कहाँ, आपके गाड़ी पर, फोर व्हीलर या इस तरह की जो भी गाड़ी होती है, तो जहां भी आप टोल टैक्स पर जा रहे हैं तो वहां कोई कैमरा लगा हो, वो स्कैन कर ले और आपके फास्टैग वॉलेट में क्या हो, पैसे हो, वहां से वो काट ले। इस तरह से आपका क्या होगा कि आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी पड़ेगी और आपको ट्रैफिक भी से भी बच सकते हैं और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तो इसी तरह की एक कही आप लोग तकनीक है। हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने एक वर्चुअल इवेंट में कहा है कि 1 जनवरी 2021 से भी वाहनों के लिए, सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। याद रहे कि इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने मंत्रालय नवंबर में इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ था। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो इसे खरीद लीजिए। आप लोग कहाँ से खरीदेंगे इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। और आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि आपके जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी साहब, मालूम होना चाहिए। और आप सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, बैठक हो रही है, लगभग आपकी ऑनलाइन हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उसे ही को बोलते हैं आप लोग वर्चुअल इवेंट। ठीक है, फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से 1 लाख टैग जारी किए थे। इसके बाद 2017 में 7 लाख और 2018 में आप देखेंगे 34 लाख फास्टैग जारी किए गए। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों या फिर 1 दिसंबर 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2019 की अगर बात करें, सबसे पहले आपको यही याद रखनी है कि 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, फिर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी किया गया है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया है और नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर क्या है ये फास्टैग। फास्टैग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान स्टिकर है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। एक तरह से मैंने कहा ना कि पेटीएम का आप लोग देखते हैं या फोन पे का देखते हैं, उसी तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा कि आप लोग लग जाएगा, आपके कांच पर सामने लग जाए या विंडो पर लग जाए, वहां से आप जैसे ही आपका वाहन गुजरे और थोड़ा स्लो हो और आपका वो स्कैन कर ले और मालूम चल जाए कि यहाँ से आपकी गाड़ी निकली हुई थी, और फास्टैग वॉलेट में जो आपका पैसा होगा उसे उतना निकाल लिया जाएगा। एक तरह से उसे रिचार्ज करवाते रहना होगा आपको। जब भी आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो वहां लगे हुए स्कैनर आपको आपकी कार के विंड स्क्रीन पर लगे हुए फास्टैग को स्कैन कर लेगी और आपकी पेमेंट डिजिटली हो जाएगा। आपको इस टैग की वजह से टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होती है। आप टैग को रिचार्ज करवाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कितनी लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो इनसे भी बचा जा सकता है। यह 5 वर्ष तक मान्य होगा। इसके भुगतान का माध्यम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तरीके से होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भुगतान राशि लेती है। और आप कहाँ से लग सकते हैं इस फास्टैग को, तो अगर आपके पास 4 पहिया वाहन में अभी तक फास्टैग नहीं लगा है तो आप इसे भारत के कई सरकारी और प्राइवेट बैंक से खरीद सकते हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ी बैंक है, इसलिए इससे भी मिलता है, यहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं। ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC आदि बैंक से भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप बड़े पेट्रोल पंप से भी फास्टैग प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई फास्टैग खरीदने जा रहा है तो इसके लिए उसे 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ ही 250 रुपये की सिक्योरिटी
डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे फास्टैग लगे वहां मालिक को अपने लिंक बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। इससे क्या होगा कि उसमें कमी ना रहे। फास्टैग के बिना अगर आप टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो दोगुना टोल भरना होगा। टोल प्लाजा पर एक ऐसी भी लेन होगी जो बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए होगी और उस लेन से गुजरने पर सामान टोल की भी वसूला जाएगा। फास्टैग सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है, अगर आप स्टेट हाईवे की टोल से गुजरते हैं तो यह काम नहीं करेगा। तो जो भी जिस तरह की आपके पास सुविधा हो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व के अनेक राजमार्गों पर टोल के भुगतान के लिए त्वरित सुगम और नगद रहित व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पहला टोल प्लाजा नॉर्वे में सन 1986 में किया गया था। जापान और चीन भी ऐसी व्यवस्था है। कहां? जापान और चीन में भी ऐसी व्यवस्था है। आप यही से हमारे पिछड़ेपन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम 1986 में नॉर्वे में हो चुका था वो आज हमारे देश में एक तरह से 2021 से होने जा रहा है। तो यहीं से जमीन आसमान का फर्क आपको दिख जाएगा और ये हकीकत है। आप लोग देखते होंगे जितने भी आपके सूचकांक इंडेक्स आते हैं उसमें हमारा स्थान नीचे से टॉप करते हैं और नॉर्वे स्वीडन ये जो देश हैं ये आपके ऊपर से टॉप करते हैं। तो एक क्लास में आप समझिए कि 100 बच्चे हैं तो आप नीचे से टॉप कर रहे हैं और आपके दोस्त जो भी हैं वो ऊपर से टॉप कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किसकी स्थिति नीचे है, किसकी स्थिति बुरी है। ठीक है, फास्टैग से होने वाले लाभों की अगर बात करें हम लोग, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर चाहे प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और मेंस में भी लिखने के लिए 3 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस कई स्टेट पीसीएस में आते रहते हैं। फास्टैग रहने से लोगों को टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आज आप समझिए समय की जितनी प्रॉब्लम है उतनी मुझे नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है। और याद रखिए मुझे लगता है जिस दिन आप लोग समय को पैसे से ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे उस दिन अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इस तरह से समझ रहे हैं आप लोग कि आप समझिए कि समय आप नहीं खरीद सकते हैं, समय सब कुछ है। एक तरह से टोल अपने आप कट जाएगा जिससे समय ईंधन की बचत करने में मदद मिलेगी। लंबी लाइन से जाम से एक तरह से बचा जा सकता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा इससे, जो आप समझते हैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। इस टैक्स से टोल पर इंतजार में बर्बाद होने वाले ईंधन को बचाया जा सकता है। किसी सड़क पर चलने वाले वाहनों की सटीक संख्या का पता भी चल सकेगा और इसके लिए एक जरूरी शर्त देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को जोड़ने के लिए एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था मुहैया कराना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। आप समझ रहे हैं किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, तो रुकता है वहां वो लोग कुछ लोग चालू रखे रहते वाहन को, तो इसमें भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपने नहीं खरीदा तो आप लोग भी खरीद लें और समय को बचाते रहें। ठीक है,